सिंघम की तरह लगातार छापेमारी करते दिखे सीओ सिटी, तीसरे दिन भी मिली कामयाबी। सीतापुर में तीसरे दिन भी लगातार छापेमारी का दौर जारी रहा। त्योहार के मद्देनजर हो रही लगातार छापेमारी जिसमें मिली बड़ी सफलता। सीतापुर में सीओ सिटी योगेंद्र सिंह को लोग सिंघम का रूप दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि यूपी के सीतापुर में त्योहार के मद्देनजर सीओ सिटी योगेंद्र सिंह लगातार छापेमारी करते दिखे, जहां आज तीसरे दिन भी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दो दिन से लगातार पकड़ी जा रही थी अवैध जहरीली शराब, वहीं आज शहर कोतवाली क्षेत्र में दो जगह बारूद व आतिशबाजी मानक से ज्यादा पकड़ी गई। त्योहार में बेचने की हो रही थी तैयारी। सूचना मिलते ही तत्काल सीओ सिटी ने कार्रवाई करते हुए बारूद व आतिशबाजी सील कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र मंसूरपुर क्रॉसिंग के पास बामुंशीगंज में दो दुकानों पर छापेमारी की गई। दोनों दुकानों में मानक से ज्यादा मिली बारूद व आतिशबाजी, जिसके चलते हुई कार्रवाई। जिले में छापेमारी की गई है। कितनी दुकानों की छापेमारी की गई, कितना माल? यहाँ पे दो लाइसेंस है, एक दुकान में छापेमारी पहले की जाती है, ये दूसरी दुकान है जहाँ पे छापेमारी की गई है। दोनों जगह पे जो इनका मानक है, मानक से ज़्यादा बारूद पाया गया है, तो इनके खिलाफ अभी कार्रवाई की। कितना माल पकड़ा है? मानक से ज़्यादा। क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? अब वो दुकान वहाँ पे सामान पूरा निकाल के सील कर दिया गया, यही कार्रवाई यहाँ पे।